नमस्कार साथियों, सक्सेस क्लासेस वल्लभ नगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, क्लास नाइन्थ के अपन दो क्वेश्चन यहाँ पर करने जाएंगे अभी, ठीक है? चलिए देखते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए। ठीक है, ये क्लास नाइन्थ में फिजिक्स वाले पोर्शन से दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, 9वें चैप्टर के हैं, ठीक है? क्लास नाइन्थ के 9वें चैप्टर में से एग्जाम्पल 9.1 क्या कह रहा है? ए कॉन्स्टेंट फोर्स, फोर्स कैसा है? कॉन्स्टेंट है, एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। यानी फर्स्ट चीज अपने को यहां मिल गई, क्या चीज मिल गई अपने को? गिवन क्या है? सबसे पहले अपने को गिवन मिल गया क्या है? मास मिल गया कितना? 5 kg, ठीक है? फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, कितने सेकंड का ड्यूरेशन? 2 सेकंड। यानी अपने को टाइम मिल गया कितने सेकंड? 2 सेकंड। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर सेकंड टू 7 मीटर सेकंड। यानी ये जो मास है 5 kg का, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वो कांस्टेंट फोर्स क्या कर रहा है? इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ऐसे समझिए जैसे कि कोई कोई वस्तु है, उस पे आप पीछे से ऐसे धक्का लगाएंगे, कोई वस्तु हल्के हल्के ऐसे धीरे धीरे गति कर रहे, पीछे से आप ऐसे धक्का लगाएंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है? उसी तरीके से उस पे क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, और यानी कि फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है? कॉन्स्टेंट फोर्स है, और वो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? वो है 3 मीटर पर सेकंड। और इंक्रीज कर रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी इसकी? 7 मीटर पर सेकंड। इंक्रीज करके 7 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है, ठीक है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, उसका अपने को क्या ज्ञात करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका? फोर्स का। या सीधी सी बात बोलू तो मेरे को क्या क्या निकालना है यहां पर? फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो अब यहां से एक बार इसको इतना करते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे और फिर आगे का पोर्शन सोल्व करेंगे। पहले अपन इतनी बात कर लेते हैं, अपने को गिवन है कि उसका मास 5 kg है, उसका टाइम कितना सेकंड तक फोर्स लग रहा है? 2 सेकंड तक। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहां अपने को जो फोर्स की वैल्यू प्राप्त होती है, फोर्स का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है, फोर्स के लिए जो फॉर्मूला प्राप्त होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए अपन यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, या अपन ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। देखिए, m का मान दे रखा है, v का मान ये रहा, u का मान ये रहा, t का मान ये रहा, तो अपने को f की वैल्यू फाइंड यहां से हो जाएगी। तो देखिए, f इक्वल्स टू m का मान कितना है? 5 kg इंटू v माइनस यू, v का मान कितना है? 7 मीटर पर सेकंड, इसमें से u कितना? 3 मीटर पर सेकंड, अपॉन t कितना है? 2। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करूंगा तो f इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा? 5, 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 अपॉन 2। तो ये इससे चला गया कितनी बार? 2। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। और आपको एक चीज बता देता हूं कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो किस में आएगी? न्यूटन। तो यहां अपन लिख देंगे न्यूटन, यानी अपने पास बल जो है, फोर्स जो है, वो अपने पास आ चुका है कितना? 10 न्यूटन। अपना क्वेश्चन आधा सोल्व हुआ है अभी,
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड वॉट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये कह रहा है अगर अब यदि अपन इस फोर्स को, ये जो कांस्टेंट फोर्स था 10 न्यूटन, इस फोर्स को अगर अपन 2 सेकंड के लिए अप्लाई नहीं करके, कितने सेकंड के लिए अप्लाई कर दें, 5 सेकंड के लिए अप्लाई कर दें, तो यहां पर अब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। कितने सेकंड के लिए अप्लाई कर देंगे, 5 सेकंड के लिए अप्लाई कर देंगे, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। अब अपने को ये फाइंड करना है, ठीक है जी, कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो देखिए यहां से इसकी वेलोसिटी अब मैं बता रहा हूं कितनी होगी। लाइट चली गई थी दोस्तों बीच में, चलिए अब यहां पे अपन बात करते हैं कि 5 सेकंड के लिए अगर फोर्स 10 न्यूटन लगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दोस्तों अपने पास फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी। यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, फोर्स तो वो का वही रहेगा 10 न्यूटन, क्योंकि इसने बोला है कॉन्स्टेंट फोर्स। कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स का मान या फोर्स की जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगी, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहां से देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये अपने पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो दोस्तों, टी को मैं इस तरफ ले जाता हूं तो ये क्या हो गया, एफ इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब मुझे वी चाहिए, वी चाहिए, तो इस एम को भी इधर से हटा दूं, तो देखो एम को भी इधर से हटा दूंगा तो ये कंडीशन बनेगी एफ टी, एम इधर आ जाएगा एम, और इधर रह जाएगा वी माइनस यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ टी अपॉन एम, ये जो u है वो इस तरफ आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू v। यानी यहां से अपने पास फाइनली जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी क्या, एफ टी अपॉन m प्लस u। ठीक है, अब यहां से अपन सब की वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। देखो f का मान 10 न्यूटन है, t का मान अपन यहां पर 5 सेकंड रखेंगे, m का मान अपन यहां पर 5 kg, और u का मान अपने को प्रारंभ वाला दे रखा है स्टार्टिंग में, वो रखेंगे इनिशियल वैल्यू। तो v बराबर हो गया f, देखिए 10 न्यूटन इंटू t, कितने सेकंड, 5 सेकंड के लिए, अपॉन m का मान, मास कितना है अपने को दे रखा है 5 kg, तो मास अपने को 5 kg दे रखा है, तो यहां पर मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, प्लस u, u का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, मतलब 10, तो देखिए v इक्वल्स टू अपने पास आ गया 10 + 3, इसका मतलब अपने पास v वेलोसिटी जो है वो कितनी आ गई, 13 m/s। ठीक है दोस्तों, एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूं पूरे क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। यानी आपको देखो मैं किस तरीके से बताऊं, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मुझे वैल्यू नहीं पता, वो 2 सेकंड के लिए लग रहा है, कितने सेकंड के लिए लग रहा है, 2 सेकंड के लिए। अब उसे क्या है कि वो, उसे पहले से इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 3 m/s, जैसे ही ये कांस्टेंट फोर्स लगा इसने इसकी वेलोसिटी बढ़ा करके कितनी कर दी, 7 m/s। ठीक है, यानी कितनी, 3 से 7 कर दी इसकी वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 7 हो गई, और इसका मास कितना है, 5 kg है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, इसके लिए फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स कितना है। ठीक है, तो फोर्स के लिए अपन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अपन ने बोला F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, m का मान 5 kg, v का मान 7 m/s, u का मान 3 m/s, और t का मान कितना रख दिया अपन ने, 2 सेकंड। ठीक है, वैल्यू रख के अपन ने इसको सॉल्व किया तो f का मान अपने पास आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि आगे बोल रहा है अगर ये फोर्स जो है 10 न्यूटन का अगर ये 5 सेकंड तक कंटिन्यू रहता तो ये जो 7 m/s बढ़ी है ये इसकी बजाय 7 की बजाय ज्यादा होगी। अरे 3 m/s पहले था तो 2 सेकंड का फोर्स लगता इतने में 7 बढ़ गया, अगर यही फोर्स कंटिन्यू लगा रहे तो वो 7 से बढ़ करके वेलोसिटी ज्यादा आएगी, तो ये पूछ रहा वो कितनी आएगी। फॉर्मूला अपने पास है, ये रहा अपने पास फॉर्मूला,
इस फॉर्मूले से अपने को v निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, t को मैं इधर ले गया तो ये एफ टी हो गया और ये जैसा है वैसा का वैसा रख दिया। अब m को क्या करेंगे, इस तरफ लेके आऊंगा तो m है वो इधर गुणा में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर किस में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस यू है ये भी इस तरफ आएगा तो ये प्लस का यू हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन बात करेंगे इस पे, तो v बराबर एफ टी अपॉन एम प्लस यू, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास v का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एग्जांपल 9.2, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग ए 2 kg मास 85 m/s², यानी अपने को क्या कह रहा है, मास दिया है, कितना दिया है 2 kg, और कह रहा है कि वो उसको कितना एसिलरेट कर रहा है, एसिलरेटिंग, कितना एसिलरेट कर रहा है इसे 5 m/s² से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो है उसका मास है कितना है 4 kg, और वो उसको एसिलरेट कितना कर रहा है 2 m/s². अब अपने को पूछ रहा है कि 2 kg के, मान लीजिए कैसे मानेंगे, देखो ये मान लो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहला है, इसका जो मास है वो कितना है, इसका मास दे रखा है कितना 4 kg, सॉरी कितना है 2 kg इसका मास है, और इसको कितने की एक्सीलरेशन देना है, इसको एक्सीलरेशन देना 5 m/s². तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लिया मैंने फोर्स लगाया F1, तो मैं इसका मास भी कितना मान लेता हूं M1 और इसका एक्सीलरेशन कितना मान लेता हूं A1, ठीक है। तो मुझे इसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है 4 kg और उसको एक्सीलरेट करना 2 m/s² से, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 2 kg वाले को 5 m/s² से एक्सीलरेट करना है और 4 kg वाली को 2 m/s² से एक्सीलरेट करना है, तो ये बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये फोर्स ज्यादा होगा या इस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेकेंड सिचुएशन है तो M2 और इसे मैं ले लूंगा A2। तो देखो इस कंडीशन में अपने को फोर्स निकालना है और इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू भी क्या करनी है, अपने को फाइंड करनी है। फिर दोनों वैल्यू में से जो ज्यादा होगी वही फोर्स क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो आप सभी को पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फोर्स कौन सा, F1, तो ये क्या हो जाएगा M1A1, M1 की वैल्यू कितनी है 2 है, A1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 2 × 5 ये अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 × 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, तो ये अपने पास F1 की वैल्यू आ जाएगी और वो कितनी आ जाएगी 10 N, ठीक। इसी तरीके से मैं इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं क्या, F2 बराबर क्या हो जाएगा M2A2, ठीक है। तो अपने पास इसका वैल्यू कितना आएगा, M2 का वैल्यू 4 है, A2 का वैल्यू 2 है, तो अपने पास आएगा 8 N, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो अपने पास देखो मान आ गए, वैल्यू आ चुकी है, F1 की वैल्यू कितनी है 10 N और F2 की वैल्यू कितनी है 8 N, तो जाहिर सी बात है दोनों में से बड़ा कौन सा है, F1 बड़ा है, तो ठीक है। तो अपन इसे लिखेंगे कैसे, F1 और F2 जो बड़ा होता है, जो ग्रेटर होता है, उसकी तरफ ये जो चिन्ह है इसका मुंह खुला हुआ रहेगा, यानी इसका मतलब होता है F1 greater than F2, यानी कि जो 2 kg 2 kg की जो ऑब्जेक्ट है उसको 5 m/s² से एक्सीलरेट करना है, तो अपने को जो फोर्स लगाना है वो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इसकी तुलना में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको और कोई एग्जांपल चाहिए एनसीईआरटी बुक से, फिजिक्स से रिलेटेड या फिर साइंस के या फिर केमिस्ट्री के, तो आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे से शेयर कीजिए वीडियो को, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।